क्या हुआ तुझे? इधर आ। भगवान तुझे खुश रखे। क्यों दूर भेजना चाहती हो मुझे? तुम्हें पता है मुझे नहीं जाना, फिर भी चलो जल्दी करो। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ जाओ बेटा। थोड़ा मुझे भी दो। अरे थोड़ा जूस मुझे मिल सकता है क्या? अब हमारा रिश्ता खत्म? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास काफी पैसे रहेंगे और कॉलेज के बाद यू आर ऑन योर ओन। फ्लैट भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। घर ना होने की कभी तुम्हें चिंता नहीं होगी। घर तुम्हारे बिना? हाँ, इसकी जितनी जल्दी आदत डाल लो उतना ही अच्छा है। तुम मुझसे दूर भाग रही हो जैसे जॉर्ज से भागी थी। अरे संभल के। सुरेश, सुरेश, इट्स कंफर्म्ड। उठो ना सुरेश, सुरेश, मैं मां बनने वाली हूं। तुम अपने नए स्कूल की पहली असेंबली मिस नहीं करना चाहोगी, है ना? हाँ करना है। देखो मैं तुम्हें मिलने आया करूंगी, जितनी बार हो सकेगा आऊंगी। पर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँ, है ना? तुम अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दोगी, ओके? तुमने कहा था ना कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तुम अगर मेरे साथ इस तरह वक्त बर्बाद करोगी तो कैसे बनोगी इंजीनियर, बोलो? पर तुम्हारे मरते समय मैं तुम्हारे पास होना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए।
अरे कहाँ चल दी? झाड़ियों के पीछे सुसु करने के लिए। मैं साथ आऊँ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। We haven't met. My name is Rosen Cooper. I'm a volunteer nurse at the Central Hospital where I'm calling from. Your gynecologist, Dr. Samuel, and I wish to meet with you and your husband. It is extremely important that we meet as soon as possible. डॉक्टर ने कल सुबह हम दोनों को क्लिनिक में बुलाया है, चलोगे ना? नहीं, तुम जाके आओ, मुझे नहीं लगता कि मेरा जाना जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारे बच्चे के बारे में है। अब पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, प्लीज सुरेश साथ चलो। सब ठीक ही होगा, और वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। देखो डॉक्टर ने खास तौर पे कहा है कि हम दोनों साथ चले, प्लीज सुरेश प्लीज। आपके हस्बैंड साथ नहीं आए? Didn't you tell her to bring her husband as well? Well, my name is Rosalind Cooper. We spoke on the phone. Maybe we need to talk to a partner first. Actually, वो आ नहीं सके. अपाना, I think. क्या हुआ है मेरे बच्चे को? देखिए बेहतर यही होगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आए। प्लीज ये बच्चा मेरा भी है, बात क्या है? सब ठीक है ना? मेरा मतलब मेरे बच्चे को। आपके ब्लड सैंपल्स हमें रूटीन चेक के लिए भेजे गए थे, मेरे ख्याल से आपने उन टेस्ट के लिए हाँ की थी। मेरी हाँ या ना किसी ने नहीं पूछी। पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये हमारी पॉलिसी है, ताकि बाद में मरीज ये न कहे कि उसे इन्फेक्शन इस अस्पताल में आने के बाद हुआ। पर टेस्ट की रिपोर्ट उसमें क्या है? अपर्णा, हैव यू हर्ड ऑफ HIV? मतलब आपका मतलब मेरा बच्चा? पर ये कैसे हो सकता है, बच्चे को तो ये इन्फेक्शन सिर्फ अपनी। इट्स यू अपर्णा। मैं? HIV पॉजिटिव? हमें पूरा यकीन है। ये हो ही नहीं सकता, मेरे संबंध मेरे पति के अलावा और किसी से नहीं रहे, मुझे कभी खून भी नहीं चढ़ाया गया। इट्स इम्पॉसिबल। क्या कोई और टेस्ट नहीं हो सकता? It's on the western blood. Aparna, I'm a trained counselor. I suggest we talk. मगर कैसे? मुझे साफ लग रहा है कि आपको ये बीमारी अपने हस्बैंड से मिली है। और उसे? I'm sorry, पर मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। Let me come to the point. हम आपको इस नर्सिंग होम में एडमिट नहीं कर सकते, इससे हमारा स्टाफ और हमारे मरीज अपसेट हो जाएंगे। पर मेरा बच्चा? तुम्हें गिराना होगा। बिल्कुल नहीं। Sit down, Aparna. Show her the report. अपर्णा यहाँ चली जाओ, ये लोग MTP करने का रिस्क ले लेंगे। मैं अपना बच्चा रखना चाहती हूँ। पागल मत बनो, कोई भी ढंग का नर्सिंग होम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। Thank you.
हेलो। हेलो माँ। हाँ अपर्णा, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हारी आवाज बदली सी लगती है बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ। हाँ अपर्णा, बेटे बच्चा तो ठीक है? तो कुछ बोलती क्या नहीं बेटे, क्या बात है? अरे राम, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें कहा था डिलीवरी के लिए यहाँ घर आ जाओ। हाँ माँ। हेलो माँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो I'm sorry अपर्णा। क्या तुम्हें मालूम था? नहीं, उन्होंने अल्कोहलिक्स क्लिनिक में टेस्ट किया था तभी पता चला। पर उस बात को तो महीने हो गए, तुमने बताया तक नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं तुम्हें कैसे तुम्हें बीमारी लगी कैसे। वो सब बिजनेस ट्रिप्स, रात रात भर तक घर ना आना। अब तक कितनी औरतों को ये भयानक बीमारी दे चुके हो? मालूम नहीं। हाँ तुम्हें पीने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। हेल्प मी सुरेश। ओह गॉड। प्लीज मेरी मदद करो। मैं प्लीज, देखो वो चाहते हैं कि मैं बच्चा गिरा दूं। तुम ही कारण हो मेरी बर्बादी का। मदद करो मेरी। मैं क्या मदद करूं तुम्हारी, मैं तो खुद मर रहा हूं। प्लीज सुरेश, कहां जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जा सकते। देखो प्लीज सुरेश, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ। प्लीज सुरेश, मुझे कुछ जरूरी काम है। थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। मुझे जाना है अपर्णा। थोड़ी देर अपर्णा, आई कांट, मुझे जाना है। प्लीज सुरेश, सुरेश। आंटी देखो तचमीनाथ। चलो पारो, अब देर हो रही है, चलो उठो अब जल्दी आओ। आओ ना। अच्छा ठीक है, पर जल्दी। याद है जीवन ज्योति में कितने सारे थे? हाँ, तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में भी बहुत सारे होंगे। तुम्हें कैसे पता? बस होंगे। पता है जॉर्ज तुम्हें टच मी नॉट कहता था। अच्छा, पर कब? ऑफ कोर्स जीवन ज्योति में। पर तुम तो कितनी छोटी थी, तुम्हें कैसे याद? मुझे सब याद है और जॉर्ज ठीक ही कहता था। ये बात है। लो अब मैं टच मी नॉट नहीं हूँ। चलो नानी के पास घर चलते हैं। छोड़ो बेकार की बातें, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। जॉर्ज ठीक ही कहता था तुम टच मी नॉट हो। तुम हो। नहीं मैं नहीं, तुम हो। तुम हो। स्टॉप इट। तुम हो। तुम हो। तुम हो। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ माँ। अपर्णा अभी पकड़ती हूँ। ओह माय गॉड, चलो भाषा अब गाड़ी में चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं जाओगी गाड़ी में? ठीक है, बस बस बस। थैंक गॉड
कम से कम तुम तो ठीक हो। उसको पाने से पहले ही मैंने उसे खो दिया। मेरे दिल तो धड़का ही क्यों, देख ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसको पाने से पहले ही मैंने उसे खो दिया। क्या तुम जॉर्ज के साथ भी गाना गाती थी? डोंट बी सिली। हाँ, कभी कभी। जब मैं किसी से प्यार करूंगी ना, तब मैं एक गाना लिखूंगी और उसे मेरे लिए गाना पड़ेगा। इन सब बातों के लिए तुम्हें काफी इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे जितना इंतजार नहीं करूंगी। Excuse me, Dr. Machado. हाँ, उस तरफ। Thank you. अरे भाई, इस दुनिया में अकेले तुम ही नहीं हो जो मर रहे हो। हम सबको मरना है एक ना एक दिन, लेकिन ये नहीं पता कि कब। तो जब यही नहीं पता कि कब मरना है, तो मौत का खौफ कैसा? जरूरी बात समझने की ये है कि आज हम जिंदा हैं, अभी इसी वक्त हम जिंदा हैं यहाँ। मैं HIV पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं मौत से नहीं डरता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं अभी इसी वक्त जिंदा हूं। यह लम्हा, यह पल मेरे पास, मेरी मुट्ठी में है। यह दिन, यह महीने, यह मौसम मेरे पास है, मैं इसके बारे में सोचता हूं। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते इस लम्हे के बारे में, इस वक्त के बारे में, इस पल के बारे में जो तुम्हारे पास है? जब मौत आएगी तब देखा जाएगा यार, है कि नहीं? पानी पिलाओ ना। जी डॉक्टर। यू नो, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि तुम लोगों के पास एक छोटा और एक अनोखा अनुभव है, एक मौसम है। तो जब, क्या बोल रहा था मैं? आप वो अनोखे अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, अनोखे अनुभव के बारे में बोल रहा था। तो चलो हम सब मिलकर एक फैसला करें और बोले, मैं जिंदा हूं इस लम्हा, इस पल। ओके, चलो बोलो, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं इस लम्हा, इस लम्हा, इस पल, इस पल। जरा ऊंचा बोलो ना यार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ इस लम्हा, इस लम्हा, इस पल, इस पल। गुड। अब आप लोगों के साथ इस बारे में बात करेंगे कि पिछले दिनों आपके साथ अच्छा क्या हुआ, वो मुझे बताएं। मुझे बहुत बुरी तरह से खांसी थी और खून भी आ रहा था, पर आपने जो दवाई दी वो खा के अभी मैं ठीक हो गया हूँ। गुड। लड़ते रहो, लड़ते रहो सूरज, इस पल को जाने मत दो। मुझे लगता है मनोज भी कुछ कहना चाहता है। बोलो मनोज, क्या कहना चाहते हो? हाँ सर, पिछले दिनों मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था। उसने कहा कि मेरे दांतों को बचाने के लिए मेरे मसूड़ों की सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा उसे बता दूं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो मैंने सच बता दिया ताकि सर्जरी के दौरान वो थोड़ा होशियार रहे। लेकिन डेंटिस्ट मुझे अजीब तरह से देखने लगा और मुझे बाहर बैठने के लिए कहा। मैं इंतजार करने लग गया। फिर एक घंटे के बाद उसका असिस्टेंट बाहर आकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब अभी फ्री नहीं हैं और मुझे सर्जरी के लिए कहीं और जाना होगा। उसने कंसल्टेशन फीस भी नहीं ली। तो मैंने सोचा ठीक है और दूसरे डेंटिस्ट के पास चला गया। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और उसे सर्जरी करने दी। और अब मेरे मसूड़े एकदम परफेक्ट हैं। और पता है मैंने आज क्या किया? उसे खत लिखकर बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अरे भाई, उसे भी तो पता चले कि उसका कोई भी पेशेंट HIV पॉजिटिव हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, मनोज ने जो किया वो ठीक किया? अरे आप मत जाइए यंग लेडी, आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं। सॉरी, मेरा आपको इस तरह से डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था। नहीं नहीं, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टर मचाडो। हेलो। अपर्णा जी। दोस्तों, ये है मिसेज अपर्णा।
मिस अपर्णा वर्मा। ओके दोस्तों, ये मिस अपर्णा वर्मा, आइए आइए। आप यहाँ ऐसे ही आई हैं या फिर? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मैं यहाँ एज अ वॉलंटियर आई हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो। ओह आई सी, वरना और क्या वजह हो सकती है यहाँ आने की? आप हमारी मदद करना चाहती? जी, मगर आपको मेरी जरूरत हो तो शायद मेरा यहाँ इस तरह से आना ठीक नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास यहाँ छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हो कि ये ब्यूटीफुल यंग लेडी हमारी मदद करे, ओके? हाँ, क्या आप मुझे ठीक कर सकती है? नहीं, पर मैं मदद कर सकती हूँ इस पल को थामे रहने में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। आप क्या सोचती हैं मैडम, मैंने जो किया वो ठीक था? सॉरी, मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, आपने इसकी कहानी सुनी, ये जानना चाहता है कि उसने दूसरे डेंटिस्ट को ना बताकर कि ये HIV पॉजिटिव है, ठीक किया या नहीं किया। हाँ, तुमने ठीक किया। कम्बक, ये जॉर्ज भी ना काम के वक्त ही कहीं चला जाता है। डॉक्टर, एक मिनट, मैं ये गोलियां अमेरिका से स्मगल करके लाता हूँ। अब ड्यूटी तो भर नहीं सकते ना। कभी मुझे लगता है कि ये कस्टम वाले बेवकूफ होते हैं, या फिर हो सकता है मैं उनके लिए बहुत चालाक हूँ। अब तुम पूछोगी कि मैं ये गोलियां स्मगल क्यों करता हूँ, इलीगल काम क्यों करता हूँ। वो इसलिए कि इन गोलियों की वजह से यहाँ के मरीजों की जिंदगी के लम्हे पल बढ़ जाते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट डॉक्टर। एक मिनट, जस्ट वन मिनट। ओके, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सोचा मैं आपके काम आ सकती हूँ, और कुछ वक्त भी है मेरे पास, और वैसे मैं अपने पति से भी अलग हो गई हूँ और बच्चा भी नहीं है, तो इसलिए। डॉक्टर सन्याल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ओह, इनफैक्ट मैं आपको बुलाने वाला था लेकिन आप खुद ही आ गए, तो मुझे चलना चाहिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। घबराओ मत अपर्णा। कैन आई कॉल यू अपर्णा? यस डॉक्टर। देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बट डॉक्टर सान्याल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे कैसे कह दिया, ये उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। देखो ये जानना मेरा पेशा है, मैं इस बात की कदर करता हूँ कि तुम अपनी मजबूरी किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहती। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पर तुम यहाँ आई क्यों? मैंने आपसे कहा ना, मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें ये बीमारी है। तुम मदद करना चाहती हो लेकिन ये नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी मदद करे। क्या मतलब? एक बात बताओ, तुम मरने से डरती हो? मैं कई चीजों से डरती हूँ। देखिए, मैं यहाँ सहानुभूति पाने के लिए नहीं आई हूँ। डॉक्टर, आपको मेरी जरूरत है कि नहीं? तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? देखते हैं तुम यहाँ के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती हो। कम विद मी। मुझे एक जरूरी काम से उस तरफ जाना है, तुम जरा सामने वाले कमरे में चली जाओ। उस कमरे में? पर क्यों? वहाँ रामनाथ रहता है, वो हमारे साथ पिछले 7 साल से रह रहा है और इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। नहीं नहीं, हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ काम करना चाहती हो ना? जी। तो समझ लो ये तुम्हारा इम्तिहान है, वहां जाकर जरा रामनाथ का मन बहलाओ। मन बहलाओ? हाँ, अगर उसके मरने से पहले तुम उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सको तो तुम यहाँ रह सकती हो। पर मुझे करना क्या होगा? पता नहीं, कुछ भी कर सकती हो, बस उसका आखिरी सफर थोड़ा आसान कर दो। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे एक जरूरी काम है। अरे पर इससे भी ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? मुझे अपने पांव के नाखून काटने, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, उसके बाद हम क्रिमेशन की तैयारी में लग जाएंगे ना, तो तुम जब रामनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको तो मुझे बता देना। ओके गो।
ये लो, मैंने पत्ते बांट दिए, चलो खेलें। चलो यार, एक और बाजी हो जाए। अरे यार, तुम कर सकते हो। चलो अब हमें हराने की कोशिश करो। तुम मौत को हरा नहीं सकते, लेकिन हमें तो हरा सकते हो। कोशिश करो। अरे, इसे कोई दवाई क्यों नहीं देते? हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मनोज, शर्त लगाओगे? किस पर? दो इक्के और एक राजा, जीत गया। वाह, क्या शान से गया। अगली बार जब हम इससे मिलेंगे तो हम इसके कर्जदार होंगे। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं हार गई डॉक्टर। तुम हार गई, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। सॉरी, मैंने सोचा आप डॉक्टर मचाडो हैं। अच्छा बताओ, आप क्यों हार गई? पता नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। मैंने उनके साथ ताश खेलने की भी कोशिश की, पर इतने में वो चले गए। कोई बात नहीं, आपको ताश खेलने के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे। अजीब आदमी है, आपके साथ ताश खेलने के लिए मना कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रही हैं? मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्या नाम है उनका जिनकी अभी मौत हुई? उनके साथ उनका जी बहलाने के लिए डॉक्टर मचाडो ने कहा था, लेकिन मैं वाकई यहाँ काम करने लायक नहीं हूँ। क्यों? ये आपसे किसने कहा? आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप इस सेंटर के बहुत काम आ सकती हैं। नहीं, पर मुझे ये लीजिए, पकड़िए इसे। नहीं, शायद मैं इसे गिरा दूंगी, बहुत महंगी होगी ना। हाँ, ये आसानी से यहाँ नहीं मिलती, आप गिराएंगे नहीं? पकड़ी नहीं। हाँ, जस्ट होल्ड, बस इसे ही लाइए। देखिए, कुछ गलत हो गया तो ये दवाई बेकार हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब इसे मिलाओ, मिलाओ। ठीक है, देखो। नहीं नहीं, थोड़ा और मिलाओ। मेरे ख्याल से काफी है, देखिए। हाँ, एकदम परफेक्ट। हाँ, अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, ये हुआ नहीं अभी, इसे पकड़ो। हाँ, जल्दी। हाँ, पर आपने तो अभी इसे और हिलाना अभी। चाची अंकल, चलो ना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, तू, मैं बिजी हूँ अभी, तू बाद में आना। सब वेट कर रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। अरे, ये नहीं अभी, बाद में क्या कर रहा तू? गिरा देगा। ये क्या कर दिया? अब डॉक्टर मचाडो मुझसे नाराज होंगे। क्या? तो यही है लाइफ सेविंग दवाई? मैंने कब कहा? क्यों, ये यहाँ आसानी से नहीं मिलती। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। मैंने नहीं कहा मैडम। ए सूरज, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, चल। डॉक्टर मचाडो से कहना कि जॉर्ज ने तुम्हें पास कर दिया। ये तो लग गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ श्यामू, कि इस पौधे के बड़े होने तक तुम यही रहोगे। शर्त लगा लो डॉक्टर, मैं नहीं रहूंगा। मुझे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। I'll make sure that you lose the bet. ठीक है डॉक्टर, देखेंगे। डॉक्टर मचाडो, डॉक्टर, मैं हार गई। ओ, तो मतलब रामनाथ गया। जॉर्ज से कहो कि ट्रक निकाल कर तैयार रखे। इसका मतलब आज शाम पार्टी होगी ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स, मैंने रामनाथ से वादा किया था। उस तरफ से जाओ, कम हियर, यहाँ आकर मेरी मदद करो।
चलो ये फालतू के बीट्स निकाल दो। जी। अरे ये नहीं, ये तो श्यामू ने अभी बोया है। ओ सॉरी। हाँ। ये हाँ ठीक। तो क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? ओ मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आपके कितना काम आ सकती हूँ। ओ ये तो अच्छी शुरुआत है, कम से कम खुद अच्छा महसूस करने के लिए तुम दया भाव का दिखावा तो नहीं कर रही हो ना। देखिए मैं यहाँ चैरिटी करने नहीं आई, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आई हूँ। ना तो मैं दया भाव किसी को दिखाना चाहती हूँ और ना ही उसकी उम्मीद रखती हूँ। That's good. That's very good. तुम यहाँ क्या करना चाहती हो? I'll be happy अगर मैं बच्चों के साथ काम कर सकूं और जितनी जल्दी हो सके। बच्चों के साथ कोई पहले से ही काम कर रहा है। हाँ तुम उसकी अगर मदद करना चाहो तो जरूर। प्लीज। पर तुम बच्चों के साथ ही क्यों काम करना चाहती हो? अरे ये पौधा तो अभी केला ही नहीं था, तुमने मार दिया। शायद खिलना उसकी किस्मत में था ही नहीं। मैं जो कहने जा रहा हूँ आई नो वो धर्म के खिलाफ है, बट आई होप गॉड फॉरगिव्स मी। तुमने अपना बच्चा गिरा के अकल का काम किया है। अरे मैं तुम्हें यहाँ के एक खास वॉलंटियर से मिलवाता हूँ, ये है। आप? ये आदमी? ओ तो तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। ठीक है मैं क्रिमेशन की तैयारी करता हूँ। सी यू जॉर्ज। तो आपने यहाँ काम करने का फैसला कर लिया है? आपको इससे मतलब? हाँ मैं बच्चों के साथ काम करूंगी। एक बात कहूँ, आपने जिस तरह से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की वो मजाक बहुत ही घटिया था। उस वक्त जब मेरे सामने मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा। मैंने कुछ नहीं किया, गलतफहमी आपकी थी, डॉक्टर तो मुझे आपने समझा। ओ सॉरी, क्योंकि वैसे तो आप ट्रक चलाते हैं, है ना? ट्रक चलाना क्या बहुत बड़ा पाप है? नहीं पाप तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आप। मैडम ये ट्रक यहाँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये डेड बॉडी शमशान घाट तक जाते हैं ना इसी ट्रक में जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की वैन इस जगह के नजदीक नहीं भटकती, और जब ये ट्रक यहाँ नहीं थी ना तो यहीं पे बॉडीज दफनाई जाती थी, यही क्रियाक्रम होता था। और अगर आप यहाँ रोज आने लगे तो लोग समझेंगे कि आपको एड्स है। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आप। क्या नहीं पता था? मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो इस ट्रक में सैर कर सकती हैं, मैं ले जाऊंगा आपको, क्योंकि ट्रक मेरा है। ओके भूषण, ए चल जल्दी कर, सारा दिन नहीं पड़ा हमारे पास। बंद करो, चलो बंद करो। चाय पियोगी? नहीं। डॉक्टर मिले? हाँ। आने में इतनी देर क्यों कर दी? माँ वो जानते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। क्या बात कर रही हो, बस चेहरा देखते ही लोग पहचान लेते हैं कि कौन HIV पॉजिटिव है। माँ पागल मत बनो। अब क्या इरादा है? मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी। माँ वहां जो बच्चे हैं कुछ तो मुझसे भी ज्यादा बीमार हैं। और उनके माँ बाप? कुछ बीमार हैं, कुछ मर चुके। देखो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, अगर उन बच्चों की मदद करके तुम्हें खुशी मिलती है तो। माँ मैं बच्चों को खुशी देना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात छोड़ो। अपर्णा तुम खुश नहीं रह सकती तो कम से कम मायूस मत रहा करो, तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना।
क्या बात है अपर्णा, क्या हुआ? हाँ माँ, आज तुम प्लीज मेरे साथ सो जाओ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज माँ। देखो अपर्णा, तुम्हारे लिए मैं हूं, पर इस दुनिया से बच के रहना, अपनी बीमारी का पता किसी को नहीं चलने देना। मुझे याद है जब मेरे चाचा को टीबी हो गई थी तो लोगों ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था, दीदी डॉक्टर साहब शायद ना माने लेकिन हमें और वॉलंटियर्स की जरूरत है। क्यों, जो है वो काफी नहीं? कमाल करते हैं आप, सिर्फ जॉर्ज ही बचा है यहाँ पे, बाकियों को तो डर है कि लोग सोचेंगे कि उन्हें एड्स है। सब लोग आपकी तरह थोड़े ही होते हैं। हाँ शायद। दीदी एक बात पूछो। हाँ पूछो। वो डेंटिस्ट वाली बात मुझे अब तक सता रही है, डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपा कर क्या मैंने गलत किया? एक नजरिए से देखा जाए तो वो गलत था, पर मगर जिन हालात में तुम्हें झूठ बोलना पड़ा वो ठीक था। देखो मनोज, तुमने पहले डेंटिस्ट को तो सच बताने की कोशिश की है ना? हाँ। तो फिर तुम बेकार परेशान हो रहे हो। अच्छा बच्चों, ये है अपर्णा दीदी, सब लोग नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। सूरज पॉजिटिव है, निशा भी, अर्जुन भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अच्छा तो आप लोग क्या करना चाहोगे? मैं आप ही लोगों के लिए आई हूँ। ड्राइंग करोगे या खेलोगे या फिर गाना सिखाओ, सीखोगे? मुझे कुछ काम है, इसे आप बाद में ऑफिस में दे दीजिएगा। अच्छा तो कौन सा गाना सीखोगे? अच्छा पहले गाने की धुन सीखते हैं और फिर बाद में उसमें शब्द जोड़ेंगे, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। चलो तो शुरू करो। ला 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 ला। अब मेरे साथ गाओगे? ला 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 ला। देखो आप लोग गा नहीं रहे। ठीक है आंटी, हम आपके लिए गाएंगे। सच्ची मजा आएगा, चलो। ला 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 ला। हाँ और जोर से गाना इस बार। ला 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 ला। शाबाश, देखा कोई मुश्किल था? पर हमने कब कहा था मुश्किल है? ए कम ऑन बच्चा लोग, आगे सीखे। कम ऑन हरी अप डांसिंग टाइम। ए क्या हुआ?
सुनाई नहीं देता? बच्चे की तबीयत कितनी खराब हो गई है, इसको डॉक्टर मचाड़ो के पास ले जाओ। ए सूरज, क्या हुआ तुझे? सारा मजा खराब कर दिया, तुझे कहा था ना गड़बड़ नहीं करना। अरे कैसी बातें कर रहे हो, हटो मैं ले जाती हूँ। डॉक्टर मचाड़ो कोई भगवान नहीं है, सोल्जर बनना चाहता है ना तू? बनेगा ना सोल्जर? मैंने तेरे लिए एक फाइटिंग सोल्जर बनाया है, आजा। पर छोड़ो तुम। बैठ जाओ। भाई तुम तो बहुत लकी हो सूरज, देखो मेरे पास एक ही गोली बची है। लो, अब अपने कमरे में जाओगे? नहीं। अरे अरे यही रहेगा, बहादुर बच्चा है ना मेरा, सोल्जर की तरह लड़ेगा, राइट? यस। गुड। मैं तुम्हारे लिए एक आयुर्वेद की दवाई बना देता हूँ, जब तुम्हें खांसी आए तो पानी के साथ ले लेना, ओके? डॉक्टर छोड़ो ये सब दवाइयाँ, जब इसे जाना होगा तब जाएगा, लेकिन लड़े बिना नहीं जाएगा। क्यों सोल्जर, लड़ेगा ना तू? बहुत दर्द हो रहा है। अरे उसे तंग मत करो, देखते नहीं कितना दर्द हो रहा है उसको। अरे कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम फिट है, क्या हुआ इसे? ऐसे में तो इसे अपने घर वालों के साथ होना चाहिए, इसके माँ बाप कहाँ हैं? इसके घर वाले यहाँ नहीं। ऑल राइट, तुम दोनों क्लिनिक से बाहर जाओ प्लीज, मुझे आराम से काम करने दो, इसे मुझे दे दो, चलो जाओ दोनों। ओके सूरज बेटा, दर्द कहाँ हो रहा है बताओ? इधर। अच्छा यहाँ पर हो रहा है, तो हम यहाँ देखे क्या करते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग सूरज के माँ बाप को यहाँ बुलाते क्यों नहीं? अरे बोलो ना। वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ओह मुझे पता नहीं था। अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हम यहाँ मौत से ज्यादा जिंदगी को मायने देते हैं। मुझे ये सब सिखाने की कोशिश मत करो। मैं किसी को क्या सिखाने लगा, मैं तो ठहरा ट्रक ड्राइवर। ओह आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पर जिस ढंग से यहाँ सब कुछ हो रहा है ये देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। सब कुछ ऐसे इतने कैजुअल ढंग से, लगता है जैसे बच्चों की किसी को फिक्र ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इनकी कोई फिक्र नहीं? लगता तो नहीं, हर चीज में हंसी मजाक, कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं। एक बच्चा मर रहा है और तुम्हें लगता है मैं यहाँ हंसने खेलने आता हूँ? मैं क्या यहाँ तमाशा करने आता हूँ? अगर जिंदगी के आखिरी दिनों में ये लोग हंसना सीख ले, जिंदगी को जीना सीख ले, तो ऐसी उम्मीद पालना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि यहाँ ये लोग तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। मैं तुमसे जलती हूँ? सॉरी, शायद मैंने आपको नाराज कर दिया। नहीं, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैंने जो कहा उसके लिए I'm sorry। सच तो यह है कि मेरे पास इन बच्चों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, और तुम तो इनके हीरो हो। अगर तुम चाहो तो तुम भी इनके हीरो बन सकती हो। नहीं, कोई फायदा नहीं, इन्हें मेरी जरूरत ही नहीं। कैसा है मेरा सोल्जर? हाँ, जियो तो एक सोल्जर की तरह, मरो तो एक सोल्जर की तरह। ये मेरा सोल्जर सारे दुश्मनों को मारा। और हाँ चलो, हो गई एक्टिंग, बहुत खराब गिरे तुम, चलो उठो दवाइयों की पूड़िया बनाओ। ये लो पूड़ी बनाओ इसकी। अपना अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन अपने आप को बड़ी मेम साहब सी समझती है। बी नाइस टू हर, उसके साथ अच्छे से रहो। क्यों, क्या वो HIV पॉजिटिव है? मरी अम्मा से कहो कि सूरज को एक पूरी सुबह रोज खाली पेट खिला दिया करे। हाँ संभाल के पकड़ो। हाँ देखो काम, उठो।
क्या किया? अभी अभी मैं ठीक हो गया हूँ ना, दूसरा गाना बजाओ ना जॉर्जी। क्यों, इस गाने में क्या बुराई है? ये बोरिंग है दीदी जैसा। अच्छा, तुझे किसने कहा बोरिंग है? हैं, ऐसा नहीं बोलते। दीदी तो अभी वापस नहीं आने वाली ना। तुम्हें कैसे मालूम? हमने दीदी को तो भाव ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम उससे प्यार नहीं करते। ये तुम्हें किसने कहा? ओ, तो आप दीदी से प्यार करते हो? हमसे भी ज्यादा। हाँ दीदी मुझे अच्छी लगती है, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन वो कुछ और है। पर दीदी तो मुझे पसंद नहीं करती, दीदी तो तुम लोग को पसंद करती है। ओ, तो तुम हमसे जलते हो? ए चुप, अब सोचो दीदी को वापस कैसे लाना है। चलो हम भी कुछ करें। मैं भी ठीक है, कुछ करते हैं। चलो सब लोग इधर आओ, इधर आओ, कुछ करते हैं। सारा दिन यहीं खड़ी रहेगी क्या? मैं अब फिर से वहां नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? बच्चों को मेरी जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता वो मेरी मदद चाहते हैं। अभी दो ही तो दिन हुए हैं तुम्हें वहां गए, थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। दो, मैं ये काट देती हूँ। नहीं रहने दो, मैं कर लूंगी। माँ, कम से कम तुम तो मुझे ऐसा महसूस मत कराओ कि मैं किसी काम की नहीं। नहीं बेटे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, ये सब्जियां धोकर दे दो। Hey, come on. बोलना। माफ करना, मैं किसी को डोनेशन नहीं देती। हम कोई डोनेशन लेने नहीं आए हैं। अच्छा, फिर क्या लेने आए हो? हम दीदी से मिलने आए हैं। दीदी? कौन दीदी? देखिए, ये बच्चे अपर्णा दीदी से, अब अपर्णा से मिलने आए हैं। माँ, मैं देखती हूँ दूध वाले को। दीदी, तुम सब यहाँ? तो तुम इन्हें लेके आए हो? यही वो बच्चे हैं। आओ आओ, अंदर आओ, आओ जल्दी। आओ अंदर आओ। अरे ये तो अच्छे भले लगते हैं। आप भी तो अच्छी लगती हैं। आओ बैठो बैठो। क्या खाओगे तुम लोग? लड्डू खाओगे? हाँ। और आप डॉक्टर? हाँ, लड्डू चलेंगे। ये डॉक्टर हाँ। नहीं है माँ। और चाय? हाँ ठीक है। ओ, तो आप चाय भी लेंगे? हाँ, हम लोग खाने के लिए तो रुक नहीं सकते ना, मुझे कुछ सामान पहुँचाना है इसलिए। तुम लोग बातें करते रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। खुश। बच्चे यहाँ आने की जिद कर रहे थे। वो क्या है कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं ना। प्लीज रहने दो, अब तुम बातें मत बनाओ। देखो, कल के लिए आई एम सॉरी। भूल जाओ, मुझे तो जीवन ज्योति जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इन्हें मेरी कोई जरूरत है। दीदी, हमें तुम्हारा वाला वो गाना सिखाओ ना। हाँ दीदी, सिखाओ ना, सिखाओ ना। मैं पूछ सकती हूँ कि अचानक तुम्हें मेरा वाला गाना कैसे अच्छा लगा? हाँ, हमें आपका वाला गाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाद में इन्हें बहुत अच्छा लगा इन्हें। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है और इसमें तुम्हारा ही हाथ है। मेरा? भला मैं क्यों तुम्हें वापस बुलाने लगा? मैं तो उनकी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या जरूरत है? हमें जॉर्जी नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। हाँ दीदी, हाँ दीदी। क्यों? अच्छा दीदी को बता दो कि तुम इन्हें वापस क्यों बुलाना चाहते हो? तुम्हारी कितनी अच्छी आंखें हैं, और कितने अच्छे बाल, और कितनी मीठी आवाज। मुझे पता है ये सब किसने सिखाया है। ओ, तुम्हें लगता है गलतफहमी है कि तुम्हारी बड़ी प्यारी प्यारी आंखें हैं, घनी रेशमी जुल्फे हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ हैं, मस्तानी चाल है। ए जॉर्जी, ये सब तो हमने बोला ही नहीं। अब बस करो ये तमाशा, जितने लड्डू खाने खा लो, चाय पीनी है तो वो भी पी लो और फिर जाओ। 1, 2, 3, 4.
अपर्णा बचपन में ये गाना खूब गाया करती थी। अच्छा। हमें बात का गाना तो नहीं मालूम। अले। अगर दीदी बात का गाना नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम दूसरा गाना सीख लेंगे। मुझे इससे भी अच्छा गाना मालूम है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अरे तुम लोग सब गाते बहुत अच्छा हो। चलो पहले लड्डू खा लो। नहीं चाहिए लड्डू, पहले दीदी को जीवन ज्योति चलने के लिए हाँ कहना होगा। पागल हो गई है तू? तू तो कह रही थी इन बच्चों को तेरी जरूरत नहीं है। कितने प्यारे हैं ये सब, और ये भी कितने अच्छे हैं। जॉर्ज। हाँ जॉर्ज, कितनी दूर से आया है तुम्हें मिलने। दीदी प्लीज हाँ बोलो ना, हमें लड्डू खाने। ये हाँ क्यों नहीं बोलेगी? इससे पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग पहले लड्डू खाओ। लो खाओ। ए सुखिया, क्या हाल है कलकत्ते से? ओए बात क्या है, आजकल तुम कहाँ रहते हो, दिखते ही नहीं हो। बस यही हूँ। क्या खा रहा है? चिकन मखानी। सोच रहा हूँ अपना ट्रक किसी को चलाने दे दूँ। क्यों, बात क्या है? सुना है तुम आजकल हॉस्पिटल बहुत ज्यादा जाते रहते हो। हाँ तो माजरा क्या है? कुछ नहीं, मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। सुना है वहाँ कुछ लोग ज्यादा ही बीमार रहते हैं। हाँ वहाँ कुछ लोगों को एड्स की बीमारी है। एड्स की? जॉर्ज भाई एक बात कहूँ बुरा ना मानो तो, तुम वहां जाके क्यों नहीं बैठ जाते? मेरे वहां जाने से क्या तुम्हें एड्स नहीं होगा? और अगर हवा मुझसे गुजरती तुम्हारी तरफ आए तो फिर क्या करोगे? फिर तुम मुझसे दूर ही रहो। और अगर मैं तुम्हें इस तरह घूर के देखता रहूं तो फिर तो तुम्हें एड्स हो सकता है। देखो मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तूने मजाक किया तो मैं तुझे मार मार के भुर्ता बना दूंगा। ए सुखिया, आ रहा है कि नहीं? मेरा टाइम बर्बाद मत कर। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मेरी तो भूख ही मिट गई। हाँ एक भूख मिटा ली, अब दूसरी मिटाने जा रहे हो? अरे तुम क्या जानो ऐश करना। अरे अपनी टोपी तो लेते जाओ। ये टोपी पहनता क्यों है तू? मैं टोपी इसलिए पहनता हूँ जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो मेरे कानों में ठंडी हवा लगती है इसलिए। अबे जो अंदर गाड़ी चलाएगा ना तो टोपी पहन लेना, समझे? आया बड़ा टोपी बनाने वाला। हट, इससे थोड़ी मजा मिलता है। पर जॉर्ज ने कहा। अरे मेरी बीवी भी मुझे नहीं बताती कि मुझे क्या करना चाहिए, तू कौन होती है? अरे 20 मील दूर जब मैं गाड़ी चला के जाऊंगा ना तो वहां मुझे चंपा मिलेगी और वो मुझे पूरा मजा देगी, समझे? अरे मैं तो तुझे चिढ़ा रही थी, आ ना। Fantastic. Very good. I know हमें क्या करना चाहिए, हम एक शो करेंगे पब्लिक के लिए। क्या पब्लिक शो डॉक्टर, ये तो बिल्कुल बेकार सा गाना है, आप लोग ऐसे ही बिन बात के खुश हो रहे हैं। ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कहने पर ही बच्चों ने गाना सिखा है। ये फालतू सा गाना भला मैं क्यों इन्हें सिखाऊंगा? जॉर्ज, सूरज ने मुझे सब बता दिया है। सूरज? सूरज कहाँ है? जॉर्ज जाके देखो। सूरज? सूरज 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 जॉर्ज
सूरज कहाँ है? ए सोल्जर, अरे मेरे सोल्जर को क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बच्चे? अरे तू तो हमारे शो का हीरो है ना बच्चा, क्या हुआ? हाँ कम ऑन सोल्जर, फाइट। एक मिनट, चलो चलो इसे क्लिनिक लेके चलो। क्लिनिक तो ले चलो, पर इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो भगवान का कमाल है कि अब तक हमारे साथ है। क्या? कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे सोल्जर चाहिए। इसे अपना सोल्जर चाहिए। तो कहाँ है इसका सोल्जर? वो घर पर है, मेरे पैर के लिए ले गया था। तो जल्दी लेके आओ ना। चलो बेटा। ओहो, इसे क्या हुआ अभी? ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही। ये लो मेरी चाबी, जल्दी से ले आओ। जॉर्ज के वापस आने तक सूरज के लिए एक जिंदगी गुजर चुकी होगी। तुम इसे साथ ले जाओ। ओह गॉड, तुमने कुछ फूलों को इतना छोटा मौसम क्यों दिया? सूरज, हम अभी तुम्हारा सोल्जर ले आएंगे, ओके? अब और कितनी दूर? बस एक आदमी और है। उफ, आज तो एक मील भी कितना लंबा लग रहा है। भगवान सूरज के साथ फुटबॉल खेलता है और हमेशा गोल कर देता है। कभी कभी भगवान भी हार जाता है सूरज। जब गोलकीपर तुम्हारी तरह होशियार हो ना, तब भगवान तो हमेशा गोल करना चाहता है। लेकिन तुम याद रखना, भगवान को गोल के अंदर बॉल मत किक करने देना। और इस तरह जब बादल गरजे, बिजली चमके, सूरज दुनिया के सारे बच्चे चिल्लाकर कहेंगे, ए भगवान हार गया, गोल मिस हो गया। सोल्जर, ए तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। ये रहा, आखिर सोल्जर की जीत हुई ना। भगवान का गोल मिस हो गया। हाँ बेटा, मैं सूरज को अभी ले जाती हूँ, बहुत देर हो गई। इसलिए कि तुम HIV पॉजिटिव हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं भी HIV पॉजिटिव हूं। तुम जिंदगी से भाग रही हो। ये मौका हमारे लिए चमत्कार सा है ना, इसमें गलत क्या है? हेलो, वैन आ गई। पीने का पानी ले लिया? हाँ ले लिया। उबाला था?
ओह, मैं भूल गई। पानी के साथ चांस नहीं ले सकते ना। उस दिन जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं भूलना चाहती हूं। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ठीक है। अगर सूरज आया होता ना तो मैं उसे जरूर खिलाती। पर सूरज तो यही है। कहाँ? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं कि भगवान फुटबॉल कैसे खेलता है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा अब महसूस करो कि भगवान फुटबॉल खेल रहा है और ये जो ऊपर सूरज है ना ये उनका फुटबॉल है। जब भगवान बॉल को किक करते हैं तो सुबह सूरज निकलता है। जब बॉल ऊपर उठता है तो दोपहर होती है। जब भगवान गोल स्कोर करते हैं तो शाम ढलती है। भगवान हर रोज लेकिन गोल जरूर स्कोर करता है। उनकी एक किक से हमें पूरा दिन मिलता है। तुम हमेशा बच्चों को ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों सिखाते रहते हो? और फिर ये जो सूरज है ना ये सागर में डूबकर ठंडा हो जाता है। प्लीज सबको पता है पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है समझे? ओहो और हर रोज भगवान को एक नया फुटबॉल मिलता है एवरीडे। तुम्हारी ये सब जो बातें है ना ही विज्ञान है और ना ही कविता। कोरी गप। चलो बच्चों जल्दी से खा लो फिर देर हो रही है। ओ जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर कि मैंने तुझे थाम न लिया। ओ गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया। ओ सौरभ जी तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना तब मुझे राजेश खन्ना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसकी सारी फिल्में देखती थी। पर मैं तो शाहरुख खान की फैन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आई लव यू किरण कहता है। काश मेरा नाम किरण होता। आंटी हाँ मेरा नाम किसने रखा? तुम्हारी माँ ने। शायद मेरे पापा ने ही रखा होगा। मुझे नहीं लगता। वो तो आपको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? क्या पता शायद नहीं। उसने तो तुम्हारी माँ को ये वायरस दिया। क्या पता कैसा आदमी था जिसने मेरे माँ को मार डाला। इतना गुस्सा मत करो। उसके बारे में तुम क्यों सोचती हो? तुम्हारी माँ ने ही तो तुम्हें पाला बड़ा किया। तुम मेरी माँ से कैसे मिली? मुझे जॉर्ज ने मिलवाया। क्या एक दूसरे को छूने से एचआईवी की बीमारी फैल सकती है? नहीं। क्या मच्छरों से मक्खियों से एचआईवी फैल सकती है? नहीं। जो एचआईवी पॉजिटिव हो उसके साथ खाने से उसके साथ सोने से उसके साथ रहने से क्या एचआईवी की बीमारी फैल सकती है? नहीं। तो फिर एड्स की बीमारी कैसे फैल सकती है? बिना सुरक्षा किए औरत या आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर। और कोई तरीका? बीमारी वाले खून से और बिना धुली इंजेक्शन की सुई से। कोई और तरीका है? बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव माँ से। और कोई तरीका? नहीं। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहो हम सब से तो पूछ सकते हैं। हम सब यही हैं। दफा हो जा, निकल जा यहाँ से, कहीं और जाके मर। चल हट। अपनी गंदगी साथ लेके जा। मैं बोल रही हूँ ना, क्या कर रहा है तू? ए मेरी बेटी को हाथ मत लगा। सारे तेरी हड्डियां ना तोड़ी तू मेरा बेटा। क्या क्या ए, ए, क्या हुआ? क्या बात? अबे मार तेरे को क्या बे? अरे मारना ऐसे तो इस तरह मत मारो। औरत को मारने के और भी तरीके हैं ना। जेल जाएगा ऐसे तू। क्या हुआ? ये क्या बताएंगे? जितना पैसा निचोड़ना था इन सब ने मेरे से निचोड़ लिया। अब मेरी क्या जरूरत इन्हें? ये तो अभी भी सुंदर दिखती है। और भी पैसा कमा सकता है तू इससे। दिमाग खराब हो गया तेरा?
इसे एड्स है, इसने सब अखबार वालों को बता दिया। अब यहाँ कोई ग्राहकी नहीं, तू ले क्यों नहीं जाता इन्हें? सब साले तेरी गलती है, अब मैं इसका पेट कैसे पालूंगी? तुम सब इन हरामियों को एड्स के बारे में बताते ही क्यों हो? तुम लोग के आने से पहले इन लोगों को एड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। मदद करने का शौक है, ले जाए इसे, पढ़ाएगा इसे, भरेगा इसका पेट, पालेगा इसे। नहीं ना, ये सब नहीं कर सकता तो मदद करने का नाटक भी मत कर। ए, हम सिर्फ तुम्हें इन लोगों से बचा रहे थे, दुनिया भर की मुसीबतें अपने सर पे उठाने का कोई शौक नहीं हमें। बचाना चाहता है ना, तो लेके जाए इसे अपने साथ, ले जाए इसे। ठीक है मैं संभाल लूंगा। जॉर्ज, आगे से मुझे ऐसी जगहों पर मत लाना। वो डॉक्टर बचाडो चाहते हैं कि हम समाज की सेवा करें, मगर लोग हमारा जो हाल करते हैं ना, वो देखो। उनकी तरह अच्छा काम करने की ठान लिए ना, तो फिर ये सब तो झेलना पड़ेगा। मगर क्यों, हमें क्या पड़ी है? डॉक्टर मचाडो को क्या पड़ी है? अगर वो चाहते तो कहीं और जाकर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें सर कपाने की क्या जरूरत है? ए, जो है सो है, पॉजिटिव सोच, समझा तू? पॉजिटिव। अरे कोई मेरे बारे में भी सोचो, तुम्हारे अच्छे काम ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया, अब मेरे को ले कहां जा रहा है? जीवन ज्योति, वहां तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल की जाएगी। और बदले में मेरे को क्या करना होगा? कुछ नहीं करना तुम्हें। हैं? मैं नहीं मानती, बहुत देखे है तेरे जैसे मैंने। कुछ नहीं करने हो गया बदले में, मेरा धंधा ही जैसा शुरू हुआ है, उल्लू बनाता है साला। मैंने कहा ना कुछ नहीं करना तुम्हें, हम तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, वहाँ एड्स के मरीज रहते हैं। अच्छा, ऐसी भी कोई जगह है? तो तुम लोग हम सबको ये क्यों नहीं बताता जब मुफ्त में कॉन्डोम देते फिरता है? ए, पागल हो गई है? अगर ऐसा हुआ तो लोग एक ही दिन में जीवन ज्योति पर ताला लगा देंगे। तूने देखा नहीं तेरे ऊपर क्या हुआ? ठीक है मेरे को वहाँ खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। 3 बार? हाँ। मेरी बेटी को भी मिलेगा? जब मैं मरेगी मेरी बेटी वहां रह सकेगी? हाँ रह सकती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे को एड्स हुआ है। गहरा सांस लो, दोबारा मुंह खोलो, नीचे देखो। उसमें तो टीबी के सब सिम्टम्स हैं, शायद एड्स की वजह से। मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन जी सकेगी। ओह, पर उसकी बेटी, वो तो ठीक है ना? हाँ, मैंने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट के लिए। तुम रीटा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। और बच्ची कहाँ रहेगी? बच्ची को दूसरे बच्चों के साथ रहने दो, मैं तुम्हें बाद में घर छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी, शायद लेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, इट्स ओके? तुम दोनों अपना, ये हमें और बहुत सारे काम है, चलो। बैठो, कमरा कैसा लगा? मेरी बेटी कहाँ है? वो डॉक्टर बोला कहीं और रहेगी। हाँ, दूसरे बच्चों के साथ, तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल मजे में रहेगी। उसको मेरे साथ रहने दो, बस आज रात के लिए। अच्छा ठीक है, मैं उसे ले आऊंगी। मैं मर जाएगी तो तू मेरी बेटी की देखभाल करेगी? तुम फिक्र मत करो, जीवन ज्योति में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। मेरी बच्ची को भी वही प्यार देना जो अपने बच्चे को देती है। मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं चाहती ही नहीं। झूठ, तू बच्चा चाहती है, तेरे मुंह पे लिखा है। नहीं, अब मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे को पालने के लिए मुझे औरों के सामने भीख मांगनी पड़े। तो क्या तेरे को भी? मैं चलती हूँ, देर हो गई, कल मिलते हैं। यार तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सिगरेट मत पिया करो, तुम जीने से थक गए हो क्या?
अगर उनसे बात करेगी तो छोड़ दूंगा सिगरेट पीना। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करती है? मुझे मालूम है वो मुझसे प्यार करती है उतना ही जितना मैं उससे करता हूँ। फिर तो एक ही बात हो सकती है कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। तो फिर उसे कैसे बताऊं? दरअसल तुम दोनों की जिंदगी एक रेल की पटरी की तरह है, जो साथ साथ दौड़ती तो जरूर है लेकिन आगे कभी नहीं मिलती। एक सिगरेट पिलाओ। ये आप कह रहे? क्यों, टेंशन ज्यादा है क्या? हाँ, बस ऐसे ही हाथ में रखने के लिए। आई विश आई कुड गेट ड्रंक टुनाइट। क्या प्रॉब्लम है? हमेशा जीवन ज्योति छोड़ना पड़े। क्या मतलब? जॉर्ज, हमारे सपनों का अंत भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस साल इस जगह की लीज खत्म हो रही है। मुझे लगा था कि शायद मकान मालिक लीज रिन्यू कर दे, पर ज्यादा पैसे मांग रहा है वो। हमारे पास कितना वक्त है? कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अरे रो मत, तू इस बिस्तर पे मर ले, तू मर जाएगी। चुप कर, मेरी बात ध्यान से सुन। रो मत, मैंने कहा ना। सुन, मैं अब बहुत जल्दी मरने वाली है। रो मत बेटा, मेरी बात सुन। लेकिन तू बहुत साल तक जिएगी। ये डॉक्टर लोग मेरे को बोला कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये लोग तेरे को ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रखने वाले। इसलिए वो जो आंटी है ना, उसके साथ अच्छी तरह से रहना। उसके पास जा जा कर कहती रहना। क्या कहेगी? आंटी तू कितनी अच्छी है, तू मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। क्या कहेगी? ऐसे ऐसे सर हिलाती रहना, समझी के नहीं? तेरी किस्मत अच्छी है, तू ऐसी जगह आ गई। दीदी, आप सोल्जर को कहाँ ले जा रही हो? सूरज को लौटाने। कल तुम्हारे लिए एक नई दोस्त आ रही है, वो सूरज की तरह हमें छोड़ के नहीं जाएगी, बहुत दिन रहेगी। चलो अब सो जाओ। गुड गर्ल। संभाल के रखना। दीदी, आपको कुछ और पॉट चाहिए? नहीं, काफी। ठीक है दीदी। अपर्णा, तुमने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है तुम खुशियों के हकदार नहीं हो? मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। ये बात अगर मेरी तरफ देखकर कहो तो? जॉर्ज, अगर इस वक्त मुझे कुछ चाहिए तो बस वो यही है, जीवन ज्योति। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझो कि जीवन ज्योति तुमसे अलग हो जाए तो? तब तो फिर जीने के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तुम समझते क्यों नहीं जॉर्ज, तुम और मैं कितने दिन जिएंगे? बस अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन ज्योति को हम हमेशा जिंदा रखें। अपर्णा, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। क्या आज हम जिंदा नहीं है? ये चंद घड़ियां जो हमें मिली है, क्या हम इसे एक साथ नहीं गुजार सकते? क्यों, एक दूसरे को घुट घुट के मरते हुए देखने के लिए? तुम्हें पता है मेरी माँ मेरी हर छींक, मेरी हर खांसी को देखकर कैसे सहम जाती है? हर रोज उनकी आंखों में एक डर देखती हूँ। नहीं, मैं ऐसा किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। और तुम क्या समझते हो, सिर्फ इसलिए कि हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं, हम एक साथ खुश रहेंगे? कुछ पल के लिए भूल जाना कि हम HIV पॉजिटिव हैं। भूल जाओ कि हमारे पास कितने साल, कितने पल, कितने लम्हे बचे हैं। भूल जाओ ये सब और फिर सोचो हम दोनों की खुशियों के बारे में। मैं तुम्हें जानता हूं अपर्णा, मैं तो तुम्हारे चेहरे पर उभरने वाले हर एक भाव को जानता हूं। तुम्हारी आंखों के हर दर्द को महसूस किया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दिल में प्यार की कोई कमी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में उसकी झलक कई बार देखी है। लेकिन तुम डरती हो अपने प्यार को बांटने से, तुम अपने प्यार को जताने से डरती हो। लेकिन मैं तो हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं कि बस मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, और मैंने कभी किसी और के प्रति ऐसी भावना कभी रखी नहीं।
तो फिर क्या तुम ये जताना चाहते हो कि सिर्फ मैं ही एक हूं तुम्हारी जिंदगी में? क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? देखो, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो और HIV पॉजिटिव। किसी को भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं कि ये बीमारी तुम्हें कैसे लगी। क्या पता तुमने कितने मासूम लोगों को ये बीमारी दी होगी, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, आवारा हूँ। क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है? मुझे कुछ नहीं समझना। मैं अपने पति की हरकतों की सजा पा चुकी हूँ, और अब मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। क्या तुम सच्चाई भी जानने की कोशिश नहीं करोगी? मुझे कुछ नहीं जाना, कहा ना, छोड़ो मुझे। अपर्णा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। माँ। बेटा, तुम कहाँ थे? खुश रहो। तुम हमसे इतने दिनों तक तो दूर नहीं रहते बेटा। मैं तुम्हें देखने के लिए शहर आने वाली थी। माँ, मुझे भी तेरी याद बहुत आई, लेकिन काम था ना। बेटा जरा इधर तो आना, मुझे आगे दीजिए। नहीं नहीं, थोड़ी देर और रुकिए, मेरा बेटा बड़े दिनों के बाद आया है, उससे मिलके जाइए। नहीं नहीं, मुझे जाना है। नमस्ते। अच्छा, कैसे हैं आप? हम सब तो ठीक है, तू बता कैसा है? अच्छा हूँ। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? थका हुआ हूँ ना माँ, सफर लंबा था ना, बस अभी आ गया हूँ, आराम करूंगा। मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहने वाली, समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहा है? माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। ये बकवास बंद करो और कर लो शादी। अगर तुझे कोई लड़की पसंद नहीं तो यही गांव से ही कोई ढूंढ लेंगे। कितना सुंदर और तगड़ा है मेरा बेटा, कोई एक खोट तो निकाल कर बता दे। तेरे लिए तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। बेटा, पहले ये ट्रक चलाना बंद करो और किसी और को ये करने दो। मुझे ट्रक चलाना अच्छा लगता है माँ, बस हमेशा चलते रहना चलते रहना, इससे मेरे दिल को खुशी मिलती है। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, खुश रहो। ए जान, बाहर निकल। अरे अंदर कहाँ चुपके बैठा है, बाहर निकल। कल अंदर चल, बाहर निकल। क्या बात है, ये क्या लगा रखा है? क्या चाहिए आप लोगों को? अब बनो मत, तुम्हें सब पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। कुछ नहीं पता मुझे। ये दुरो, सुखिया ने हमें सब कुछ बता दिया है, उसने अपनी माँ की कसम खाई है कि वो सच कह रहा है। तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा यहाँ से जॉर्ज। हम तुम्हारा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों, क्या बात है? मेरा बेटा गाँव छोड़कर क्यों जाएगा? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो मेरे बेटे के बारे में? तुम उसको देख के जलते हो, इसीलिए सारा गांव मेरे बेटे के पीछे पड़ा। इसीलिए तो लगी है इसे ये भयंकर बीमारी। बता दो बेटा, ये सब झूठ है। बता दो, चुप क्यों हो? बता दो बेटा। हाँ, मुझे एड्स की बीमारी है। तो क्या हुआ, मुझसे बात करने से या मुझे छूने से तुम्हें एड्स नहीं होगा? अगर मेरा झूठा भी खा लोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? मार साले को, पत्थर से मार साले को। ये चले जाओ यहाँ से, और अपने माँ बाप को भी साथ लेकर जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो, तुम पूरे गांव को खराब कर दोगे। चला जाऊंगा इस नर्क से, अपने माँ बाप को भी साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे यहाँ रहने से सारा गांव नहीं खराब होगा। अरे मुझ पर कीचड़ उठाते हो, अपने घर में खुद जाकर देखो। अरे तेरा बेटा बम्बई में क्या करता है, जाकर जाकर देख तो। तेरा भाई कानपुर जाता है ना चाचा के पास, वहाँ काम करने के बाद क्या करता है जाके देख। और तेरे बाप से पूछ जाकर रोज रात किस किस के साथ सोता है। अरे मुझ पर उंगली उठाते हो, बीमारियां तुम्हारे अपने घरों में है, जरा जाकर देखो। फिर ये बीमारियां सारे गांव में फैलेंगी, तुम्हारी बीवियों तक पहुंचेगी, तुम्हारे बच्चों तक पहुंचेगी। कहां भाग रहे हो? अरे आओ, जवाब दो, लड़ो मुझसे। तू चिंता मत कर मां, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे तेरा बेटा कम से कम 7-8 साल तो जिएगा ना, जब तक जिंदा हूं तेरी देखभाल जरूर करूंगा। हाँ,
तुम तो 7-8 साल जिंदा रह सकते हो, पर हम तो मौत से पहले मर गए। अब क्या मुंह दिखाएंगे इन गांव वालों को? चले जाओ जॉर्ज, छोड़ दो हमें और वापस मत आना। हो सकता है मेरा मुंह फिर कभी ना देखो। क्या जाने से पहले बेटे को आशीर्वाद भी नहीं दोगे? In our special bulletin, we bring you a highlight of the cultural events planned for December 1st, the World AIDS Day. First, we take a look at the children at Jeevan Jyoti, a home for people living with HIV. And the children of AIDS patients will put up a special show at the Kala Kendra on December 1st. मेरी पारू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम राजकुमारी। रीटा, तुम पारू की कॉस्ट्यूम्स के लिए कपड़ा ले आई? अब मैं जाएगी, मैं अपनी पारू को टीवी में देखना चाहती है। अरे तभी देखोगी ना जब इसकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो औरों की भी कॉस्ट्यूम सिलनी है। हाँ ठीक है। चलो बच्चों उठाओ ये सब, रिहर्सल की तैयारी करनी है। चलो रीटा, देर किस बात की? अच्छी है ना, सुंदर है। कौन? तेरी मेम साहब। और कौन? मेम साहब होगी तेरी। तेरी क्या है, राजकुमारी? थैंक यू अपर्णा। किस लिए? बच्चे तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। मैं उनके साथ खुश हूँ, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन ज्योति। कितनी अजीब बात है, हम लोग क्या क्या सोच रहे थे जीवन ज्योति को बचाने के लिए, पर देखो ये बच्चे खुद एक शो करके इस जगह को बचा रहे हैं। काश वो दिन जल्दी आ जाए जब इन्हें हमारी जरूरत ही ना पड़े, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हारे हिसाब से तो फिर मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा खुश इंसान होना चाहिए, क्योंकि ना तो इन बच्चों को मेरी जरूरत है ना तुम्हें। हमें कब से एक दूसरे की जरूरत पड़ी? हर कोई अगर ऐसे सोचने लगा फिर तो ये दुनिया ही थम जाएगी। पर हम औरों की तरह नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ, हम औरों की तरह बिल्कुल नहीं, हम तो खास हैं, स्पेशल। वो वाला दिखाओ। हाँ, मेरी बेटी यही पहनेगी। ये 80 रुपया मीटर है। तो रहने दो। वो वाला दिखा। हाँ, इसके 2 मीटर दो। ये तो और भी महंगा है। दे देना। नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। मेरे पास उतने पैसे नहीं है। दे देना, मेरी बेटी के लिए है। ए, तेरे पास कंडम है क्या? टोपी? तुझे कपड़ा चाहिए कि नहीं? तुम्हारे पैर। हाय जॉर्ज, कैसे हो? वेलकम बैक डॉक्टर। अच्छा ये ले लो, इसमें कुछ जरूरी सामान है। ओ, चलो अच्छा है, हमारे नन्हे मुन्ने कुछ और साल जी लेंगे। और जीवन ज्योति में सब कैसे हैं? कुछ नए लोग आए हैं, आने वाले आ गए, जाने वाले चले गए। आप तो कोई गुड न्यूज लाए हैं ना? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि एक डच संस्था में सारे फंड्स देने को राजी हो गई। अच्छा, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि हमारे देश के कानून के हिसाब से
जो संस्था रजिस्टर्ड ना हो वो फंड्स वगैरह नहीं ले सकती। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह में बहुत टाइम लग सकता है, मुझे डर है कि तब तक ये जगह अपने हाथ से ना निकल जाए। अपर्णा एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई है फंड्स के लिए। शी सच एन इनोसेंट गर्ल। लेकिन मैंने उसे अब तक ये नहीं बताया कि जो फंड्स इकट्ठे होंगे वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये शोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये शो में वो सोशलाइट्स वगैरह आएंगे, अपने बारे में बड़बड़ करते रहेंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। आई नो इट। मैंने कुछ सोच रखा है। क्या? लेकिन आप किसी को बताना नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपर्णा को ऐसा लगे कि जैसे उसी ने जीवन ज्योति को बचाया। किसी ने सच ही कहा है कि सारे आशिक बेवकूफ होते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो जॉर्ज, मैं जीवन ज्योति को बचाने के लिए कोई भी वादा कर सकता हूँ। बताओ क्या सोचा है। ये क्या गंदा हो गया? आंख बंद करो। हाय जॉर्जी। अपर्णा, मुझे तुमसे एक मिनट बात करनी है। प्लीज जॉर्ज, अभी नहीं, शो के बाद। रीटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि मेन सबसे कहना पारो का ध्यान रखें। ओह माय गॉड, ये सब अभी होना था। आंटी। हाँ बेटे, एक मिनट आ रही हूँ। प्लीज जॉर्ज, शो के बाद बातें करें। शो के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा अपर्णा। क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ, सबकी भलाई शायद इसी में है। पर मुझे लगा था जीवन ज्योति सब कुछ है तुम्हारे लिए। मैं तो ट्रक चलाता हूँ, चलते रहना, मुझे अच्छा लगता है। आंटी, आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना। और देखो, अपनी मम्मी को याद करके करना, फिर सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। दीदी सर जल्दी कीजिए, हम तीन मिनट में शुरू कर रहे हैं। चलो अर्जुन, मनचल जल्दी करो बेटा। जॉर्ज, जॉर्ज कहाँ गया? वो तो चला गया। चला गया? पर शो खत्म होने तक भी नहीं रुक सका, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया? उसे अब कोई जरूरी काम नहीं होगा दीदी, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? आपको पता नहीं, उसने अपने ट्रक्स और गोडाउन बेच दिए ताकि हम सब जीवन ज्योति में रह सके। जॉर्ज, अच्छा हो तुम मिल गए। क्या हुआ? ऐसे अचानक तुम जीवन ज्योति कैसे छोड़ सकते हो? सब जीवन ज्योति छोड़ने के लिए तो आते हैं। दीदी, दीदी शुरू कर रहे हैं, जल्दी। हाँ, जल्दी बस एक मिनट। जाओ। जॉर्ज, बच्चे तुम्हें मिस करेंगे। अरे, तुम जो? मैं तुम्हें मिस करूंगी। तुम्हारे लिए बच्चे जो है। दीदी, ओहो दीदी पर्दा उठ गया है। तुम बच्चों को लेकर स्टेज पे जाओ, मैं भी आती हूँ। अच्छा, पारो का ध्यान रखना। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। काश हम दोनों एचआईवी पॉजिटिव ना होते तो फिर शायद। अपर्णा, अगर हम दोनों एचआईवी पॉजिटिव नहीं होते तो मैं ट्रक चलाता होता, तुम किसी महल में रहती और शायद हम दोनों कभी ना मिलते। एक बात कहूं, ये सोचकर कभी शर्मिंदा मत होना कि तुम एचआईवी पॉजिटिव हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारा फर्ज है कि तुम ये बात दुनिया को बताओ। ओके, मेरी ट्रेन छूटने में कुछ वक्त है, लेकिन मैं कुछ देर तक देखता रहूंगा, पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। नमस्कार। ये प्रोग्राम जीवन ज्योति के बच्चों ने तैयार किया है। नमस्कार। आज के शाम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक थे, मगर एड्स की वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को तैयार किया है, उन सब ने एड्स की वजह से या तो किसी चाहने वाले को खोया है या फिर अपनों को छोड़कर इस दुनिया से जाने वाले हैं। टुडे आई कन्फेस कि मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हूं।
हम क्यों रुके? मैं सोच रही हूँ कि क्या ये रास्ता मुझे लगता है जाएगा कहाँ? देखो असेंबली के लिए लेट तो हो ही गए हैं, तुम किसी से मिलना चाहोगी? किसे? नहीं, तुम्हें सरप्राइज देती हूँ, चलो। Wait a minute. अरे what a pleasant surprise. Hello, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था. This must be, I don't believe this, पारो? Yes. हाँ, मैं पारो हूँ. Okay, क्या गाई थी तुम उस दिन फंक्शन में? कमाल किया था भाई. Thank you. बैठो बैठो, चाय कॉफी तो है नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं. हाँ, विस्की पेश करूँ? No, no, thank you. हम बस देखने चले आए कि आपकी तबीयत तो ठीक है. हाँ, मैं ठीक हूँ. तुम यहाँ कैसे मगर बेटा? ये मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल रही है. अच्छा 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 अच्छा, तुम बिल्कुल नहीं बदली. हाँ पता है, वैसे बदलने के लिए काफी देर हो चुकी है. लेकिन कुछ तो फर्क आना चाहिए, तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो. मुझे बहुत खुशी है, आप भी बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं. भाई थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ. अच्छा, अब हमें चलना चाहिए. हमने सोचा हम आपको रास्ते में मिलकर एक क्विक हेलो करते हुए जाएं. आंटी, ये आपका फोटोग्राफ. ये आपने कब खींची? क्या मैं रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हो, अगर तुम जॉर्ज और अपर्णा को एक बार दोबारा एक साथ ला सको फोटो खिंचवाने के लिए. तुम्हारे लिए मेरे पास एक तस्वीर है इसमें. ये देखो. ये तुम्हारी माँ और ये तुम जब तुम छोटी थी. अगर आप ये तस्वीर मुझे पहले देते ना. सॉरी बेटा, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे लिए भी ले लेनी चाहिए थी. तो तुम अभी भी अपने आप से, अपनी भावनाओं से भाग रही हो? क्या मतलब? तुम जॉर्ज से दूर क्यों चली गई? उसका दिल टूट गया. आप समझते क्यों नहीं, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ ये जानते हुए कि वो HIV पॉजिटिव है. मेरे पति ने भी मेरे साथ यही विश्वासघात किया था. और फिर जॉर्ज, वो ड्रग्स नहीं लेता, ट्रक चलाता है. बात बिल्कुल साफ है. तो उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसको बीमारी कैसे हुई? ओह माय गॉड, अपर्णा, उसे बीमारी सेक्स की वजह से नहीं हुई है. आप ये कैसे कह सकते हैं? उसे बीमारी इसकी वजह से हुई है. ये कौन है? ये मेरा बेटा है, जोसेफ. जॉर्ज और जोसेफ बहुत गहरे दोस्त थे. लोग यहां तक कहते थे कि शायद दोनों भाई भाई हैं. जोसेफ मुंबई में जाकर बुरी संगत में पड़ गया, बुरे कर्म करने लगा, ड्रग्स वगैरह लेने लगा. तो मेरे बेटे का इलाज कराने के लिए जॉर्ज ही उसे अस्पताल ले गया और वही उसका इलाज कराया. वो ठीक होकर जब वापस आ रहे थे तो जॉर्ज का ट्रक एक खाई में गिर गया. जॉर्ज को बहुत गहरी चोट लगी. उस वक्त जोसेफ ने बिना ही सोचे समझे कि उसे एड्स है, जॉर्ज को अपना ब्लड दिया. और कुछ साल बाद जब जोसेफ की मौत हुई तो मैंने जॉर्ज से कहा कि तुम भी अपना ब्लड टेस्ट करवा लो. मैं जॉर्ज का बहुत कर्जदार हूं एंड आई डोंट थिंक मैं ये कर्ज कभी चुकता कर सकूंगा. उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी मौका ही नहीं दिया. अभी बहुत देर नहीं हुई अपर्णा. मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं. सच, मैं बहुत स्वार्थी हूं. पारो की देखभाल में भी मेरा ही स्वार्थ है. आंटी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो क्या हुआ अगर आपने मुझे मम्मी बोलने से हर बार रोका? I'm sorry, बेटा. हाँ, आज मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए. ये फोटोग्राफ तुम्हारा और मेरा, बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारा. लो. अच्छा, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है. गुड बाय डॉक्टर, पता नहीं फिर. यू नेवर नो, जिंदगी में चमत्कार होते ही रहते हैं. जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे लगता है कि अगर आज मेरा बच्चा होता तो हो सकता है वो तुम्हारी तरह HIV नेगेटिव होता.
पर अब तुम्हें इस फोटोग्राफ के साथ ही उदास देखकर मुझे बच्चा न होने का जरा भी अफसोस नहीं होता। कम से कम मुझे अब ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे मर जाने के बाद उसका क्या होगा। आंटी, अगर आप सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी समझ लो तो सोचो मुझे कितनी खुशी होगी। आंटी, यू आर सो स्टूपिड। जॉर्ज के साथ भी आपने यही किया। अच्छा पासा, अब जॉर्ज के बारे में बातें बंद। मैडम, प्लीज। नो प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली बिजी टुडे एंड आई जस्ट डोंट वांट टू सी एनीबॉडी। नो, आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक टुमारो। एक्सक्यूज मी, मैं अपर्णा वर्मा हूँ और एक नए एडमिशन के लिए आई हूँ। आपने बहुत देर कर दी, आपने प्रिंसिपल की स्पीच भी मिस कर दी और प्रिंसिपल बहुत नाराज होंगी। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली हम बहुत दूर से ड्राइव करके आ रहे हैं, बच्ची वहाँ है और हॉस्टल। नो नो प्लीज, कैन आई जस्ट हैव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लीज? यस श्योर। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू योर वॉर्ड, आर यू? यस यू आर राइट, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं घर छोड़ आई। फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपको उसे घर ले जाना होगा। प्लीज मैडम, आई एम श्योर यू कैन डू समथिंग। देखिए, मुझे हजारों एडमिशंस देखने हैं, ये एक ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, वैसे मैं प्रिंसिपल से बात कर चुकी हूँ। आपको जरूरी चीजें गुमानी नहीं चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड इससे दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। प्लीज, मुझे बहुत काम है, आप इंतजार कीजिए। प्लीज। ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। क्या कहा उन्होंने? हमें वेट करना होगा। तुम कुछ भूल आई है ना? हाँ, वो स्टूपिड सा एडमिशन लेटर। इसका मतलब है तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती और तुम्हें पता भी नहीं। ओह शट अप, अब लगता है बरसों वेट करवाएंगे। मुझे लगा ही था ऐसा होगा, घंटों खुशामत करवाएंगे और फिर जाके कहीं देंगे। आए पारो, हमेशा की तरह बेचारी और परेशान। आपने क्यों नहीं बताया कि आप भी यहीं आ रहे? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रेजेंट है, वो देखो। जॉर्जी, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है, पर वो तुम्हें इतना चाहता है कि जाहिर भी नहीं कर सकता। कैसे हो मेरी पारो? अब तुम्हें बड़ी लगी हो गई हो, तुम मुझे नहीं उठा सकते। अच्छा। मैं जानता हूं तुम भी उससे प्यार करती हो, पर अनफॉर्चुनेटली अपने आप से इतनी नफरत करती हो कि उसे पा भी नहीं सकती। वहां सब अच्छे हैं? मनोज कैसा है? हेलो डॉक्टर, बताया पारो यहाँ रही है, सो मिलने चला है उससे। ऑफ कोर्स, कैसे हो तुम? पहले कभी अपने आप को इतना अच्छा महसूस नहीं किया। पर पहले से कुछ पतले लग रहे हो। अच्छी जगह चुनी तुमने पारो के लिए, जीवन ज्योति की तरह नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, जीवन ज्योति की तरह नहीं है। खुश रहना, शायद फिर मुलाकात ना हो। ऐसे मत कहो। मैं कहूं या ना कहूं, सच तो यही है ना। अच्छा पारो, अब तुम क्या करना? मिसेस वर्मा, सॉरी मिसेस वर्मा, अगर आपने लेटर खो दिया है तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। ओ जॉर्ज, हाउ आर यू? फाइन। जॉर्ज, तुमने एड्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया, प्रिंसिपल को इतनी खुशी हुई। प्रिंसिपल को मारो गोली, तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। बहुत लोग हैं यहाँ, नहीं तो मैं एग्जैक्टली बता देती कि कितना अच्छा लगा। ये बच्ची कौन है? ये पारो है। हेलो पारो, तुम किसकी बेटी हो? ये मेरी बेटी है। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि? और ये? ये तो मेरी गार्डियन है, मेरी फीस भरती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जॉर्जी, मेरा मतलब है ये जॉर्ज की बेटी है। नेवर माइंड इफ यू हैव लॉस्ट द लेटर, मैं इसे जरूर एडमिट करवा लेती हूँ। मैं अभी आई। हाँ, बाय बाय।
अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम इन सब चीजों के लिए अब बड़ी हो गई हो। सो बबल्स, वाव, चलो अंकल उस पहाड़ पे चल के सो बबल्स बनाते हैं। ओके देखते हैं पहले कौन आता है। ओके। अरे ए अरे रुको पारो पारो, यहाँ भी बहुत काम है। ए अब पारो तुम अभी आपको क्या लगता है अब वो कितने दिन? बस यही बुरी आदत है तुम्हें, जब तुम चीज खोने लगती हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसे पाना चाहती हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए। अब इस बारे में कुछ करोगी या बेवकूफ ही बनी रहोगी? मैडम अपनी कार हटाइए। ओह थैंक गॉड मिल गया। आप जरा मेट्रन को दे देंगे, मैं जरा उस तरफ होके आती हूँ। मेरा एक काम करोगी? जी। भाग कर जाओ, वो उस तरफ गए। अच्छा आप जरा प्लीज भाग कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जिंदगी में हमेशा हमें चीजों की अहमियत तब क्यों होती है जब उनके खो जाने का डर हो। बुढ़ापे में जवानी की जरूरत, मरते वक्त जिंदगी की जरूरत, कड़कती धूप में बारिश की चंद बूंदों की जरूरत, हमेशा एक अलग मौसम की तलाश। तुम्हें वो कहानी याद है, सूरज और फुटबॉल वाली, मेरी सनराइज और सनसेट वाली? नहीं मुझे तो नहीं याद है, वो तो बहुत पहले की बात है जॉर्जी। पर क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं छोड़ो, जाने दो, सब बेकार की बातें हैं। इसे महसूस करो, ये अब महसूस करो कि भगवान फुटबॉल खेल रहे हैं और सूरज उनका बॉल है। जब वो किक मारते हैं तो सुबह होती है, जब बॉल ऊपर हवा में उड़ती है तो दोपहर, और जब गोल पोस्ट के अंदर जाती है तो शाम ढलती है। भगवान हमेशा गोल करता है। ऐसी बातें सिखाती हो तुम बच्चों को। भगवान की हर एक किक से एक नया दिन मिलता है। ये सब बकवास है। सूरज सागर में डूब जाता है और वो ठंडा हो जाता है। लेकिन सबको मालूम है कि पृथ्वी तो सूरज के चक्कर लगाती है। सच तो ये है कि भगवान को हर रोज एक नया फुटबॉल मिलता है। भगवान क्या फुटबॉल खेलता है? तुम्हारी समझ क्या सिर्फ इतनी? क्योंकि ये ना तो विज्ञान है ना ही कविता। जॉर्ज ये पल है जिंदगी के।